खरंग रजा परे उनिया माने कहीं बुझी पारबे। हेले हजुर तुई जेते बेले डाकिछु केड़े बल्लुक तुई केते केते लोग तो दुनिया विचार पाउछन तोर इज्जत झारे झारे नहीं झरबू तोर कूची कूची महान कलाकार नाट्यकार कौशाली भाषा साहित्य के एक प्रतिभा अटल जी के नाम पर एक झलक 8 अगस्त 2021 रात 9 बजे सिर्फ R9 भारत पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। जून 2021 संबलपुर के बुर्ला मेडिकल कॉलेज में चिकित्सित हो रहे अटल जी, पूरा जिले के साथ प्रदेश के बड़े बड़े ऑफिसर के तत्वावधान में चल रहा था अटल जी की चिकित्सा। कई बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर लगे थे उनको ठीक करने में, अपनी जी जान लगा के सेवा दे रहे थे अटल जी को, क्योंकि सब चाहते थे कि अटल जी ठीक हो जाएं। लेकिन 5 जून 2021 को 90 साल की उम्र में अटल जी ने पूरे पश्चिम उड़ीसा नहीं, प्रदेशवासियों को नहीं, पूरी दुनिया छोड़ के चले गए थे। सारे कलाकार की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सारे इलाकों में दुख में सुनसान हो गए थे। उनकी जन्म माटी बिनिका जब उन्हें लाया गया, आखिरी दर्शन के लिए कोरोना काल में प्रतिबंध होते हुए भी बहुत भीड़ लगी। उनके दर्शन के लिए कई बड़े बड़े लोग भी आए थे और उनके निधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी जी और उड़ीसा के सारे विधायक सांसद के साथ बड़े बड़े लोगों ने शोक जताया था। आखिर अटल जी के लिए सबके दिल में इतना प्यार क्यों है, जानने के लिए उनके जीवन का ये छोटी सी झलक आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, अटल बिहारी पंडा जी एक नाम है, एक ब्रांड है। जो डेडिकेशन उन्होंने कला के लिए दिखाया हुआ है वो एक बिल्कुल ऐसा देखने को कम ही मिलता है। तो हम लोग तो जब वो रिटायर होकर बिनका आ गए थे तो तभी से हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए थे जब तक वो थे। आज भी हैं हमारे अंदर, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो जो सब कुछ हमको सिखा के गए हैं वो शायद हम कहीं और से सीख नहीं पाए। देखिए, मैंने उनका बहुत सारे गाने म्यूजिक डायरेक्शन दिया हुआ है, कंपोज किया हुआ है, और उन्हीं सब गानों में जो लिरिक्स में जो दम है वो आजकल के गानों में देखने को कम ही मिलता है। तो लिखने में उनका जो कलाकारी है वो शायद ही देखने को मिलता है। और पश्चिम ओडिशा के लिए मैं कहूँ तो पश्चिम ओडिशा का जो भाषा है उस भाषा के लिए वो पहले आदमी हैं जो लिखना चालू किए। जैसे नाटक लिखना पहले उन्होंने चालू किया और गीत वगैरह तो वो लिखते थे रेडियो स्टेशन के लिए, जो कि बहुत ही रिनाउन सिंगर्स ने गाया हुआ है। वो घर घर में लोग सुनते थे उस जमाने में जो रेडियो में जब चलता था। और उनका डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया हैंड था। हम लोगों ने जब बचपन में ड्रामा किया करते थे तो ड्रामा जब वो डायरेक्शन दिया करते थे तो जो नेचुरलिटी उनके डायरेक्शन में थी, जो उनके एक्टिंग में थी, वो सब कम ही देखने को। बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं जो ऐसा ही परफॉर्मेंस देते हैं और उनका परफॉर्मेंस वो आर्टिस्ट में से परफॉर्मेंस निकाल लेते थे, तो वो सब बहुत ही कम देते। और ये कहना मेरा मतलब है उनके लिए कि अगर कोई प्रांत के लिए कभी किसी को ट्रिब्यूट दिया जाए तो पश्चिम उड़ीसा के लिए अटल बिहारी पंडा एक ब्रांड है। अटल बिहारी पंडा का नाम लेने से ही पश्चिम उड़ीसा को समझा जाना चाहिए, और ऐसा हुआ है। अटल बिहारी पंडा जी का नाम लेने से ही लोग संबलपुरी फिल्म को जानते हैं, क्योंकि जब भूखा के बाद बाकी तीनों फिल्म उन्होंने किया तो उस फिल्म में कलाकारी का ऐसा उमदा प्रदर्शन देखने को मिला जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के फिल्मों में देखने को मिलता है। श्री अटल बिहारी पंडा 1/12/1931 को उड़ीसा प्रदेश सोनपुर जिले के पवित्र महानदी किनारे और पहाड़ के बीच एक छोटे से शहर बिनिका में जन्मे थे। पिता कविराज श्री वासुदेव पंडा तथा माता श्रीमती लक्ष्मी प्रिया के वह बड़े बेटे हैं। उड़िया साहित्य क्षेत्र तथा संबलपुरी कौशली साहित्य क्षेत्र में उनका बहुत मंच नाटक, यात्रा नाटक, शिशु नाटक, बेतार नाटक, धारावाहिक बेतार नाटक, उपन्यास, गल्प, गीति, कविता, रम्य रचना काफी आरहत हुआ है। उनके द्वारा रचित फटा कपाल संबलपुरी भाषा का प्रथम प्रकाशित पूर्णांक मंच नाटक के रूप में आलोचकों की मान्यता मिली है। वे आकाशवाणी संबलपुर की स्वीकृति प्राप्त गीतकार व नाट्यकार हैं।
उड़िया तथा संबलपुरी साहित्य में करीब 70 पुस्तकें रचना किए हैं। शताब्दी के नाटकों में अभिनय तथा निर्देशन तथा नाट्य रचना के माध्यम से रंगमंच के साथ वो 60 वर्ष तक गहरे संबंध स्थापित कर पाए हैं। उड़िया साहित्य क्षेत्र में बहुत यादगार नाटक रचना किया तथा गाँव गाँव में भी परिचित हैं। रंगमंच प्रदर्शित नाटकों में मणि संहार, पौराणिक नाटक तथा कलांक अपरान नाटक उल्लेखनीय है। संबलपुरी कौशली भाषा में उनके द्वारा रचित देवी तथा बांदू उबाज उपन्यास सर्वत्र प्रशंसित हुए हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए कम होगा, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में क्या हमारे ओडिशा के हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उनका जो एज था 83 इयर्स में वो डेब्यू किए उनका फिल्म लाइन में। 83 इयर्स में कोई एक्टर डेब्यू करना कोई आम बात नहीं है, और 83 इयर्स में डेब्यू करके 91 इयर्स तक उनका देहांत तक पूरा वो एक्टिव रहे, उनका एक्टिंग लाइन में, लिखने के लाइन में। पहले तो वो गाना लिखते थे, उनको कोई नहीं जानता था, गाना लिखते थे, प्रबंध लिखते थे, और बहुत सारे रेडियो आर्टिस्ट ने बहुत सारे गाना गाए हैं उनके। आप संबलपुरी इंडस्ट्री के जो कि फकीर पटनायक जो कि लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, ज़्यादातर उनके जितने भी हिट्स रहे हैं 50% से ज़्यादा अटल बिहारी ने लिखे हैं, अटल बिहारी पंडा ने। और पहला संबलपुरी लैंग्वेज का जो पहला नाटक है जो कि फुल नाटक है फटा कपल करके, वो पहले लिखे थे। उसके बाद प्रबंध में आते हैं तो वो भी पहले ही लिखे हैं संबलपुरी में। और बहुत सारे उड़िया नाटक जो कि ओपेरा बोलते हैं वो भी लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं। लेकिन इतने सारे लिखने के बावजूद उनको बहुत कम लोग जानते थे। और जब उनका एक मूवी आया सलाबूढ़ा करके, डॉक्टर सब्यसाची महापात्र जी के निर्देशित सलाबूढ़ा, वो जब उस मूवी में डेब्यू किए और उनका डायलॉग उस मूवी में था, डायलॉग राइटर भी थे वो सलाबूढ़ा सीरीज का, और उड़ीसा का पहला ट्रायलॉजी है सलाबूढ़ा सीरीज, सलाबूढ़ा के बाद आदिम विचार, आदिम विचार के बाद सलाबूढ़ा बदला, तो ये तीनों में उनका डायलॉग है। और उड़ीसा में स्टेट अवार्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड उनको दो बार मिला है, और बेस्ट एक्टर अवार्ड उनको एक बार मिला है, और बेस्ट डायलॉग राइटर दो बार मिला है स्टेट अवार्ड में। और 83 ओल्ड में वो डेब्यू करना, और इतना एक्टिव, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई हीरो हो सकता है 83 इयर्स में। और गीतकार, नाट्यकार, उपन्यासिक, अभिनेता, निर्देशक, साथ ही चलचित्र जगत में प्रवेश करके उड़ीसा राज्य तथा जातीय एवं अंतर्राज्यीय स्तर पर काफी नाम कमाया है। उनके पास उम्र हार माना है श्री सब्यसाची महापात्र के द्वारा निर्देशित छला बुढ़ा, आदिम विचारशाला, बुढ़ार बदलाल चलचित्र का वो संलाप लेखक तथा 3 चलचित्रों में मुख्य नायक के किरदार में अभिनय करके विदेश में स्वनाम अर्जन किया। संस्कृति विभाग उड़ीसा राज्य के लिए 25वां राज्य चलचित्र पुरस्कार 2013 शाला में छला बुढ़ा चलचित्र में मुख्य भूमिका छला बुढ़ा के लिए श्रेष्ठ अभिनेता, 2018 में आदिम विचार चलचित्र के लिए श्रेष्ठ अभिनेता और शुला बड़ार बदला के लिए श्रेष्ठ डायलॉग लेखक पुरस्कार के भी वह अखतार बने हैं। भीमबोई समाधि स्थल ट्रस्ट में 17/12/2011 में भागीरथी नेपाक स्मृति सम्मान, रविंद्र मंडप भुवनेश्वर में 7/2/2011 में मिला पंचमवेद सम्मान, उड़ीसा साहित्य अकादमी संस्कृत भवन भुवनेश्वर द्वारा 25/7/2013 में रविंद्र मंडप पर 25वीं राज्य उड़िया चलचित्र शलाबूढ़ा में श्रेष्ठ अभिनेता के रूप में स्टेट अवार्ड सम्मान, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीचर फिल्म शलाबूढ़ा इंडियन पेनोरामा ऑफ 44वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चुना गया था और स्क्रीनिंग हुआ था। फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20/11/2013 से इस उत्सव में गोवा में शलाबूढ़ा फिल्म का प्रदर्शन हुआ तथा 23/11/2013 को संवर्धित किया गया। ऐसे ही बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। 5 जून 2021 को उनके परिवार और पश्चिम उड़ीसा के लिए दुख के काले बादल छा गए जिस दिन सबको छोड़कर अटल जी चले गए। अटल जी तो नहीं रहे लेकिन उन्होंने जो प्रतिभा और कला छोड़ के गए हैं उसके लिए लोगों के दिल में हमेशा रहेंगे और उनकी प्रतिभा हमेशा जिंदा रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति के निधन में R9 भारत के परिवार की तरफ से अमर आत्मा की सदगति कामना करते हैं और उनके परिवार को महाप्रभु जगन्नाथ साहस और धैर्य दें, ये हमारी कामना है।
आर नाइन भारत से हमारे सहयोगी स्टेट हेड प्रताप भारती के साथ पश्चिम उड़ीसा चीफ मनाश बोहरा की ये स्पेशल रिपोर्ट।